अभी फिलहाल रेसलमेनिया 38 को होने में बहुत लंबा समय बाकी है, लेकिन WWE ने कुछ बड़े प्लान्स होने वाले हैं इस बार के रेसलमेनिया 38 के लिए। तो इसके रिगार्डिंग कुछ हमारे सामने WWE टाइटल मैच, यूनिवर्सल टाइटल मैच और रॉ वुमेन्स टाइटल मैच के क्या होने वाले हैं, सारी की सारी चीज़ें इसको लेकर कुछ हमारे सामने बड़ी न्यूज़ आ चुकी है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ में ब्रे वाट का रिकॉर्ड भी हो चुका था है और बड़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक आप लोग जो है ज़रूर देख लेना। तो वीडियो को हम लोग जो है देर नहीं करते, सबसे पहले बात कर लेते हैं डे 1 2022 के बारे में, जिसको लेकर नए और भी मैचेस WWE ने कन्फर्म किया है। नया मैच सिर्फ एक कन्फर्म किया है जो कि आप सभी को बहुत पहले ही पता लग चुका होगा, वीडियो बहुत लेट आ चुकी है इसके लिए सॉरी, लेकिन ये मैच होगा डे 1 के अंदर स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के लिए अपने उस वेस करने वाले गए सर कोफी और किंग वुड्स को। तो देखते हैं क्या सर कोफी और किंग वुड्स टाइटल रेन को तोड़ पाएंगे उस की या फिर स्मैकडाउन के अंदर इन्होंने टाइटल्स के लिए चैलेंज कर दिया था। तो इसके बाद जो है यह हमें चीज़ स्मैकडाउन खत्म होने के बाद और उसके एक दिन बाद हमें इस चीज़ कन्फर्म होती हुई दिखा देती है और इस चीज़ को जो 2 दिन भी हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या डे 1 के अंदर ब्लड लाइन चैंपियनशिप के साथ आती है और जाती है, यहाँ पर ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन खैर ये बड़ी अपडेट थी, लेकिन इससे जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास न्यूज़ है जो कि जुड़ी है जॉनी गर्गैनो और टोमेसो चैंपा के बारे में, क्योंकि बहुत कमाल का मैसेज दिया है गाइस यहाँ पर जॉनी गर्गैनो के लिए टोमेसो चैंपा ने। टोमेसो चैंपा कहते हैं वॉर गेम से पहले कि मुझे नहीं पता क्या है तुम्हारी यही लास्ट नाइट है यहाँ पर, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ तुमसे कहना चाहता हूँ, 2 वर्ड्स थैंक यू, क्योंकि बहुत बड़े वर्ड्स है जॉनी गर्गैनो और गाइस अपने टोमेसो चैंपा DIY क्या कमाल की टैग टीम थी, हमने देखा किस तरीके से उन्होंने काफ़ी कमाल का टीम अप भी किया था। तो इसके लिए कुछ बड़े वर्ड्स थे जॉनी गर्गैनो के लिए टोमेसो चैंपा के लिए, लेकिन ये काफ़ी कमाल की टैग टीम थी। अगली अपडेट की हम लोग बात करते हैं और ये जुड़ी इस बार गाइस रैंडी ऑर्टन के बारे में, और रैंडी ऑर्टन ने भी काफ़ी कमाल का एक न्यू लुक डाला है अपने खुद सोशल मीडिया के ऊपर, और रैंडी ऑर्टन हमें एक फोटो पोस्ट करते हुए दिखा देते अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उनके बाल है रडल की तरह जो कि एकदम रैंडी ऑर्टन लग रहे हैं हु बाय हु रिडल की तरह, जो कि काफ़ी एक फनी सा जो है यहाँ पर फोटो डाल जिसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन से आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा उन्होंने लुक डाला, फोटोशॉप वगैरह थोड़ी की होगी या फिर क्या पता इनके ओरिजिनल भी बाल होते पहले तरीके से, लेकिन ये कुछ बड़ी चीज़ थी जो कि गई यहाँ पर से मतलब एक थोड़ा फनी टाइप सा, लेकिन ये कैरेक्टर उनका काफ़ी कमाल का चल रहा है और आर्ट के ब्रुक के साथ काफ़ी कमाल की केमिस्ट्री चल रही है अपने रैंडी ऑर्टन की। अगले अपडेट की हम लोग बात करते हैं और ये जुड़ी इस बार गई अपने ब्रे वाट के बारे में, और ब्रे वाट का ट्विटर अकाउंट हो चुका था हैक और ब्रे वाट लोगों को दे रहे थे PC जो कि गेमिंग PC जो कि नहीं अवेलेबल होता इतनी जल्दी, जो कि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो जो है पैसे मांगकर दे रहे होते हैं, लेकिन ये अकाउंट उनका हैक हो चुका था, लेकिन जिसके बाद वो जो है एक दिन के बाद उसको पूरी तरीके से रिकवर वगैरह कर लेते हैं पूरी की पूरी चीज़ें, और उस ट्वीट को भी हमें जो है ब्रे वाट हमें जो है डिलीट करते हुए दिखा देते हैं कि दैट मीन्स कुछ कुछ लोगों ने उनको मैसेज भी किया था कि हमें भी वो PC चाहिए, उन्होंने उनको मैसेज भी किया था कि मैं इतने इतने डॉलर्स में तुम्हें ये देने वाला हूँ, लेकिन ये जो है ब्रे वाट ने कुछ चीज़ें क्लियर की कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, उनका अकाउंट हो चुका था हैक और ये जो पोस्ट थी वो भी ब्रे वाट ने कर दी है डिलीट। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें बड़ा कांड हो चुका था ब्रे वाट के साथ सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन देखते हैं उनका रिटर्न क्या होता है। लेकिन हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है रेसलमेनिया 38 के बारे में, जिसको लेकर कुछ हमारे सामने मेजर टाइटल मैच आ चुके हैं सामने जो कि क्या होगा WWE टाइटल मैच, रॉ वुमेन्स टाइटल मैच और यूनिवर्सल टाइटल मैच रेसलमेनिया 38 के अंदर, जिसके बारे में मेरे सामने कुछ आपके लिए बताने के लिए कुछ प्रेडिक्शंस आ चुकी कि किस तरीके से कौन कौन सा मैचेस होगा। सबसे पहले रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की मैच की बात कर लेते हैं जो कि फिर एक बार होगा रेसलमेनिया का ही रीमैच जो कि होगा इस बार गाइस बेकी लिंच वर्सेस साशा बैंक्स वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, एक ट्रिपल थ्रेट मैच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जो कि रेसलमेनिया 32 के अंदर भी हमें दिखाया दिया था। तो देखते हैं ये मैच फिलहाल प्रेडिक्ट किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके इतने ज़्यादा चांसेस हो गए नहीं, लेकिन WWE टाइटल के लिए होगा बिगी वर्सेस बॉबी लैशली, जो कि मुझे भी अभी फिलहाल चल रखा है कि बॉबी लैशली वर्सेस गाइस बॉबी लैशली और बिग का मैच मेरे ख्याल से प्रोग्राम रेसलमेनिया तक नहीं जा सकता ऐसा मुझे स्टिल फिलहाल लग रहा है। तो देखते हैं क्या ये चीज़ होती या फिर नहीं। और जो यूनिवर्सल टाइटल मैच होगा वो होगा रोमन रेंस वर्सेस अपने ड्रू मैकिंटायर वेस करने वाले हैं रोमन रेंस को, और गाइस ये होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। देखते हैं क्या कुछ चीज़ें होती, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी
इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हमें जो है इस बार दिखाई देने वाली, तो देखते क्या कुछ चीज़ें होती, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ा आएगा। और ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस जो कि मैच होने वाला है, तो देखते क्या कुछ चीज़ें होती है। और जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर भी फिलहाल जो है पिक्चर से बाहर नहीं है, टाइटल पिक्चर से, तो देखते क्या लेसनर भी ऐड होंगे या फिर नहीं। लेकिन क्या कौन चैंपियन होगा ये भी बातें फिलहाल जो है कन्फर्म नहीं हो चुकी कि कौन चैंपियन रहेगा और कौन चैंपियन हो के जाएगा रेसलमेनिया से, ये भी बातें। तो बहुत मज़ा आएगा रेसलमेनिया के लिए, तो देखते क्या कुछ चीज़ें होती। लेकिन फिलहाल कुछ अर्ली हमारे सामने प्रेडिक्शन आ चुकी थी जो कि मुझे लगा आपके साथ डेफिनेटली ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे क्या कुछ चीज़ें हो सकती आने वाले समय के अंदर, आप लोग आपके थॉट्स बताना मुझे कमेंट करके जरूर। लेकिन बस गाइस आज की हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक थी। गाइस आपको हमारी आज की ये वाली वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप लोग जो वीडियो को लाइक कर सकते हो। गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कौन, ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो बस इतनी सी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।